पुरुषोत्तमनि सिरजरनि कर व्यापि निर्मलावलोकान् मुक्ता भोगास्तदिष्टान् पुनरपि भीषणोद्भाषितान् कामजन्य विद्वाः सर्वाणि शेषान् स्वपि मधुरभुम् मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परम अवतराजं ब्रह्मयत्तं नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुकोपनिषद के अगत शांति नामक चतुर्थ प्रकरण का विचार चल रहा है। अगत शांति मतलब सृष्टि होना संभव नहीं है प्रतीका वाक्य को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत के रूप में एक प्रकरण आया हुआ है। इसमें जो है पहले जो है गुरु को मतलब परम गुरु को नमस्कार करते हैं, फिर इस उपदेश के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको नमस्कार करते हैं, फिर जो है कि यहाँ पे दिखाते हैं कि मुख्य रूप से जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी परिवर्तन नहीं। जब शास्त्र ने एक मतलब सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक निर्विशेष तत्व तो अंतिम मतलब कारण के रूप में कहा गया है, फिर वो जो है परिणत होकर के जो है किसी वस्तु में रूपांतर हो जाएगा ऐसा तो होना संभव नहीं है, क्योंकि जो अमृत धर्म वाला है वो मरण धर्म वाला बनी सके, उत्पत्तिशील वस्तु में मरणशील होते हैं। इस प्रकार से अपनी प्रतीका को पुष्ट कर बस हमें दिखाई पड़ते हैं वो तो केवल मात्र प्रतीति है। प्रतीति कैसे है, जैसे अलात को मला मशाल को घुमाने पर अनेक प्रकार के आकार दिखाई पड़ते हैं, परंतु ना आकार की उत्पत्ति होता है ना आकार के नाश है प्रतीति मत में। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जो है कि चित्त वृत्ति की गति के कारण चित्त की वासना के कारण हमें जगत प्रपंच दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य ही अमनी भावे दैतमयी हो मन का मन कैसे आत्मसत्य अनुबोध न संकल्प है तथा अमनस्कम तदा जाति ग्रह भावे तद पहले बोल कर आया न देतत्तम सत्यम यत्र किंचित ना जाए सबसे अच्छा सत्य ही है यहाँ पे खुद उत्पत्ति होना संभव नहीं। अब यहाँ पे प्रकृति बदलती नहीं है, किसी भी वस्तु की कोई प्रकृति हो बदलती नहीं है। इस विषय में प्रकृति के अवस्थ्य हो तो अपने ठीक बोलते हैं, प्रकृति की परिभाषा क्या देते सांसिद्धि की स्वाभाविकी सहजा अकृता जजा प्रकृति साहित्य विज्ञा स्वभाव न चाहती है ना। जो योगियों के अपने साधन के द्वारा जिस चीज़ को प्राप्त करते हैं जो स्वभाव से आता है, जैसे हमारा चिड़िया को उड़ना जन्म के साथ सहजा बच्चन अकृता जो किसी ने किया नहीं, जैसे जल को नीचे की ओर जाने का अपने आप ही जाती है। इस प्रकार के जो है सूर्य आदि को प्रकाश देना स्वाभाविक है, सर्वप्रोत है। इस प्रकार की वस्तु जो अपना कोई भी चीज़ को यदि आप परिश्रम के द्वारा मेहनत के द्वारा उपार्जन करते हैं और छोड़ते नहीं है तो उसको यहाँ पे प्रकृति के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार जो आपने पहले क्या प्रतिज्ञा किया कारणम दस्य भी कार्यम कारणम दस्य जाते जो जो कार्यकरण का अभिन्न को मानते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया परिणाम बात को लेकर के बोलते हैं उसका कारण ही कार्य रूप में पैदा होते। तुमने कहा इधर तुमने कारण को क्या बोला अजय और इधर क्या होता है कारण जो है मत आदि रूप में परिणत होकर के पैदा होता है। तो आपका व्याघात दोष हो तो प्रतिज्ञा क्या नहीं हो गई जायमानव कथम अजम जो वस्तु पैदा हो रहा है और अजय कैसे रह सकता है और फिर भिन्नम नित्य कथम चजम जो कार्यात्मक वस्तु है सावयव वस्तु है वो नित्य कैसे हो सकता है। इस प्रकार पूर्ववादी के ऊपर आक्षेप करने के बाद अब आगे बोलते हैं आप हमसे आपसे पूछते हैं इसको लेकर के हम इस पंक्ति को पढ़े थे आज 12 नंबर से शुरू होगा ठीक है ना इस पंक्ति का ठीक है ना ठीक है। तो उक्तस्य किंच कार्य कारणयोर अभेदे अब आप क्या मानते हैं कार्य कारण अभिन्न है तो हम आपसे पूछते हैं कि कारण अभिन्न कार्य मतलब कारण से अभिन्न है कार्य अथवा कार्य से अभिन्न है कारण ठीक है। जैसे बोलते हैं इसका बोलेंगे यहाँ पे देखिए कि किम कारण अभिन्नम कार्य कौन किम कार्य अभिन्नम कारण कार्य से अभिन्न है कारण इति विकल्प इस प्रकार विकल्प करके आद्यम अनुवदति पहले को अनुवाद करते हैं। तो हमारे दृष्टांत देखिए कहा क्या कहा था कि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प तो वो कारण जो है कार्य रूप है
परना कारण अभिन्नम का दुकान रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, वो कारण से अभिन्न है अथवा भिन्न है? इधर दो प्रश्न। अब यदि मान लीजिए कि कार्य अभिन्नम, जो कार्य दिखाई दे रहा है, कार्य का दिखाई दे रहा है सर्प, हमारे सिद्धांत कौन सा, उस कार्य से अभिन्न है कारण रज्जु, हमेशा भिन्न हम, हाँ तो वो क्या है पहले पूछते हैं उसको, उसको पूछते हैं पहले तुम क्या मानते हो। जैसे देखिए एक नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं कि कारण अभिन्नम, कारण अभिन्नम कार्य, मतलब कार्य से कारण अंतर्भाव, ठीक है ना, कार्य कारण में अंतर्भुक्त है। अच्छा, यानी कि कार्य कारण में अंतर्भुक्त है तब क्या हो जाएगा, कार्य धर्म कारण में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है, कार्य अभिन्नम कारण से कार्य अंतर्भाव, कारण कार्य में अंतर हो गया तो क्या हो जाएगा, कारण के धर्म कार्य में आए। इस प्रकार से यदि आप परिणाम बात को लेकर के आप मानते हो तब क्या हो जाएगा, कार्य अपने कारण को अपने धर्म के द्वारा दूषित करेगा, अथवा कारण के अपने धर्म क्या होगा, कार्य में आएगा। इस प्रकार से दो विकल्प करते हैं, तो विकल्प आद्यम अनुवदति पहले को लेकर के बोल रहे थे, श्लोक में आ जाएंगे, समझ में आया। फिर कार्यस्य पहले में क्या हो जाएगा, कार्यस्य कारणे अंतर्भाव, और दूसरे में क्या हो जाएगा, कारणस्य कार्य अंतर्भाव। अब दृष्टांत को देखकर के समझिए, कार्यस्य मतलब क्या हो जाएगा, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, वो रज्जु में अंतर्भुक्त हो जाएगा। और यदि आप कार्यस्य अभिन्न कारण है तब क्या हो जाएगा, कि रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है जो सर्प, वो सर्प के साथ कारण रज्जु अभिन्न हो जाएगा। इस प्रकार से दो विकल्प करके आप पूछते हैं वहां पे, कारणात् यदि अनन्यत्व, कारणात् यदि अनन्यत्व, मतः कार्यमजं यदि, मतः कार्यमजं यदि, जायमानाधि वैकार्यात्, जायमानाधि वैकार्यात्, कारणं ते कथं ध्रुवं, कारणं ते कथं ध्रुवं, कारणात् यदि अनन्यत्व, मतः कार्यमजं यदि, जायमानाधि वैकार्यात्, कारणं ते कथं ध्रुवं। कारण से यदि कार्य अभिन्न है, ठीक है ना, कारणाद यदि अनन्यतम, कार्य से अजन्मा कारण, कारण क्या है, जन्म रहित अज है, तो इस प्रकार जन्म रहित कारण से यदि कार्य अभिन्न है तब क्या हो जाएगा, कार्य भी अज हो जाएगा। जन्म रहित कार्य कारण से, जन्म रहित कार्य से यदि अभिन्न है, जन्म रहित कारण से कार्य यदि अभिन्न है, कारणात् यदि अनन्यतम मतलब अभिन्नतम, ठीक है ना, कारण से, कारण कैसे, जन्म रहित, इस प्रकार जन्म रहित कारण से कार्य यदि आपका अभिन्न होगा तब क्या हो जाएगा, अब तो कार्य मतलब तब तो कार्य भी अजो होना पड़ेगा, कार्य भी है अजो भी है, ये हो सकता है क्या, कार्य है अजय तो हो नहीं सकता, कार्य उत्पन्न होना होगा, ये कैसे हो सकता है, अब तक कार्य मजम से, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कारणात् यदि अनन्यतम अत कार्यम अजम भवे, एक क्रियापद अध्ययन करके बोलते हैं। अच्छा, अब जो है इस पक्ष में ये दोष आएगा, दूसरा बोलता है जायमानात् कार्यात् कारणम अभिन्नम यदि, जायमानात् कार्यात्, ठीक है, कारणम अभिन्न यदि, उत्पन्न हो गया जो कार्य, उस कार्य से यदि कारण अभिन्न है तब क्या हो जाएगा, कारण जन्म वाला हो जाएगा। इसलिए बोलता है जायमानात् कार्यात् कारणम अभिन्नम यदि इति, जैसे ऐसा करने करके तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कारण नित्य है, कि वो तो पैदा हो रहे हैं तो जन्म वो अज नहीं है, वो नाशवान हो जाएगा, दृष्टि नित्य वस्तु नहीं हो सकता है, वो अनित्य वस्तु हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, यदि आपका कार्य के साथ कारण कारणात् यदि अभिन्नतम, ये कारण है, कारण से यदि कार्य अभिन्न है, कारण में अजत्य धर्म है, ठीक है ना, तो कार्य अभिन्न है इससे तो कार्य में अजत्य धर्म आएगा, और कार्य जो है और अज है, ये व्याघात है, व्याघात दोष। अब यदि बोलते हैं कार्य से कारण अभिन्न है, कार्य से कारण अभिन्न है, तो कार्य क्या है, जन्म वाला है, और कारण क्या है, जब अभिन्न है तो कारण भी जन्म वाला है, पता नहीं तो कैसे हो सकता है,
समझ में इस श्लोक को ये बोलते हैं इस प्रकार से यहाँ पे, यानी कि आपको दोनों पक्ष से कार्य कारण अनन्यतम न्याय जो हमने बोला अभिन्नतम न्याय दिखाया वहाँ पे, उसमें तो केवल इतना ही मतलब दिखाने के लिए कारण में वास्तविक कारणता नहीं है, परंतु कोई एक वस्तु है। और दूसरी बात क्या है, चाहे विवर्तवाद हो चाहे आपका परिणामवाद हो, कभी भी कोई कार्य अपने कारण को छोड़ करके नहीं रह सकते। विवर्तवाद में भी सर्व पर अधिष्ठान के ऊपर ही भ्रांति होती है, अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं, परिणामवाद उपादान कारण में परिणत हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार चाहे विवर्तवाद हो चाहे परिणामवाद हो, विवर्तवाद में कारण क्या है बिल्कुल असंग अस्पृश्य रहता है, कोई विकार नहीं होता, परिणामवाद में कारण में विकार होते हैं, यही मत भिन्नत है। तो यहाँ पे बोला कारणात् यदि अनन्यत तब कारण से यदि कार्य संपूर्ण अभिन्न है तब कह जाएगा अत कार्यम अजम हवे, तब कह जाएगा कार्य भी कारण के समान जन्म रहित हो जाएगा, परंतु तो नहीं हो सकता कार्य भी है और अज भी है, ये तो आपका व्याघात हो सकता। और दूसरी बात क्या है, यह जायमानात ही वही कार्यात यदि कारण अभिन्नम, यदि मतलब जायमानात कार्य ठीक है नीचे लाइन में जायमानात आदि है, जायमानात ये पूरा सेंटेंस जायमानात ही वही ही और कोई है जायमानात ही मतलब क्योंकि क्योंकि यदि आपको पैदा हो रहा है जो कार्य उससे यदि कारण अभिन्न है, जायमानात कार्यात कारण अभिन्नम यदि, तब क्या हो जाएगा कारणम कथम ध्रुवम, वो कारण नित्य कैसे हो सकता है, वो तो कार्य के साथ अभिन्न अनित्य धर्म वाला है, ये इसका अभिप्रेत अर्थ हो गया। अब यहाँ पे देखिए टीकाकार क्या बोल रहे हैं, फिर हम भाषण में जाएंगे बात में। तो कारणात इति अतो अस्मिन पक्षे कार्यम अजोत्सैत, इस पक्ष में किस पक्ष में कारण से यदि कार्य अभिन्न हो गया और कारण में यदि अजत्य धर्म है तो कार्य में क्या हो जाएगा अजत्य धर्म आना चाहिए। इसलिए बोलते अतो अस्मिन पक्षे कार्यम अजोत्सैत, इस पक्ष में कार्य को अज हो जाना चाहिए। तो अतः मतलब कार्य से कारण अभिन्नता, तीन नंबर टिप्पणी, अतः शब्द का क्या अर्थ कर दिया, क्योंकि कार्य कारण से अभिन्न है, कार्य कारण से अभिन्न है, तो कार्य कारण से अभिन्न होने के कारण क्या हो जाएगा कारण का धर्म कार्य में आएगा, कारण आपका क्या है अज है, तो कार्य क्या हो जाएगा अज हो गया, कार्य भी अज हो गया, ये कैसे हो सकते, ये तो नहीं हो सकते, वह दोष हो जाते होता। तो अस्मिन पक्षे इस पक्ष में कार्य से कारण अभिन्नत्वा, अस्मिन पक्षे कार्यम अजम, कार्य क्या हो जाएगा अज हो जाएगा, तथा विध कारण अभिन्नता क्यों हेतु दे रहे उस प्रकार मतलब तथा विध मतलब अज विध कारण अज होने के कारण अज रूपी कारण से अभिन्न होने के कारण जन्म रहित कारण से उत्पत्ति से असमर्थ कारण से उत्पत्ति होने के कारण जो कार्य है वो भी जो है उत्पत्ति रहित होना चाहिए। इसलिए हेतु दिया प्रतिज्ञा वाक्य अतो अस्मिन पक्षे अत मतलब इस पक्ष में कार्य से कारण अभिन्नत्व, इस पक्ष में कार्य अजम से है ना, तो क्या हो जाएगा कार्य भी अज हो जाएगा क्योंकि कारण अज है। इसलिए हेतु दिया तथा भी जो कारण अभिन्नत्व उस प्रकार जन्म रहित कारण से अभिन्न होने के कारण पहला विकल्प था कारण अभिन्न कार्य, और दूसरे में क्या है कार्य अभिन्न कारण, कार्य अभिन्न कारण ठीक है ना। अनन्यत्व न्याय में आपका क्या हुआ यहाँ पे कि कार्य कारण से अभिन्न है अथवा कारण कार्य से अभिन्न है, जैसे हमने बोला था रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प से रज्जु भिन्न है कि अभिन्न है, इसी प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है रज्जु से सर्प भिन्न है कि अभिन्न है, चार प्रश्न उठा करके इसका उत्तर अपने आप सोचने से इसका समाधान निकाला है। इसलिए बोलते हैं तथा विध कारण हमारे यहाँ पे था, हम इसीलिए विवर्तवाद का दृष्टांत देते हैं कि हम विवर्तवाद मानते हैं, परिणाम बाद में तो हम भी परिणत होते हैं, वहाँ पे तो कोई विकल्प नहीं है। तथा विध कारण अभिन्नत्वाद इति दूषयति अत कारणम अजम भवे। अब द्वितीय अनुबद्धति द्वितीय क्या बोला था कार्य अभिन्नम कारणम ठीक है ना, कार्य अभिन्नम कारणम, तो कार्य नित्य होता है कि अनित्य होता है, जो भी कोई कार्य होगा वो नित्य होता है कि अनित्य होता है, अनित्य होता है तो कारण में क्या धर्म आ जाएगा अनित्य धर्म आ जाएगा, अब उसका नित्य होना कैसे होगा। इसी नाम होता है द्वितीय अनुद्रवति द्वितीयों को लेकर के विचार उठाते हैं, यदि यदि जायमानात ही वही कार्यात, तो उसको देखो अन्य करके टीकाकार लिखते हैं जायमानात कार्यात कारणम अभिन्नम यदि योजना, ये अन्य है जायमानात द्वितीय लाइन में है,
जायमानात कार्य आदि भी पंचमी है दोनों। जायमानात कार्य कारणम अभिन्नम यदि, यानी कारण यदि अभिन्न होता है तो यदि ऊपर नेचुरल है ठीक है, कारण को दोनों तरफ अन्याय होगा, कारण के दोनों तरफ अन्याय होगा मतलब तब यदि ऐसा होता है तो कारण क्या हो जाएगा, कारण निश्चित ही अनित्य होगा। जब होता है कि जायमानात कार्यात कारणम अभिन्नम यदि इति योजना नहीं कारणम ध्रुवम भवितुम अर्हति, तब क्या हो जाएगा कारण नित्य नहीं हो सकता है क्योंकि कार्य नित्य नहीं है, कार्य अनित्य है तो कार्य से अभिन्न है कारण, मतलब क्या हो जाएगा कारण भी अनित्य ही हो जाएगा, आप नित्य नहीं बोल सकते उसको, इस वजह न तर ही कारणम ध्रुवम भवितुम अर्हति, तो कारण नित्य नहीं हो सकता, ध्रुव नहीं हो सकता क्यों, कार्य अभिन्नत्वात्, कार्य से अभिन्न के कारण कार्य उत्पत्ति शील नाश बने हुए कार्य सभिन्न है कारण, इसलिए कारण आपका नित्य नहीं हो सकता क्योंकि का शाम को दर्शन ने प्रकृति को नित्य माना, इधर परिणाम भी मानते हैं, इसीलिए बोलते हैं कार्य अभिन्नत्व तस्य च अध्रुवत्व, अगर कार्य जो है निश्चित ही अनित्य होता है तस् मतलब कार्य का कार्य से अध्रुवत्व तस्य कार्य से अध्रुवत्व इति दूषयति, इसी को मन रखते हुए यहाँ पे इस पक्ष को दूषित करता है, कारणम ते कथम दुधम तुम्हारे पक्ष में कारण नित्य कैसे हो सकता है, कारण तो कार्य से अभिन्न है और कार्य अनित्य है तो कारण भी अनित्य होगा, कारण का अनित्य कैसे बोलते हैं कि अध्रुव इति दूषयति, यहाँ तक श्लोक की अर्थ हमारे मांडुक कारिकाकार ने कर दिया ठीक है। अब जो है आगे देखिए श्लोकस्य तात्पर्यम् आह, श्लोक में क्या तात्पर्य अभिप्रेत अर्थ क्या छुपा हुआ है उसको भगवान भाष्यकार कहते हैं, श्लोकस्य तात्पर्यम् आह उक्तस्य एव अर्थस्य स्पष्टीकरणार्थम् आह, उक्त अर्थ क्या बोल के आया था दस नंबर श्लोक में, कारणम यस्य वै कार्यम कारणम तस्य जायते, जिसने जो कहा कि जो कार्य है वो कारण ही है, कारण के संस्थान विशेष को हम कार्य कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा उसका कारण ही कार्य रूप में उत्पन्न होगा, यदि कारण कार्य रूप में उत्पन्न होता है तब क्या हो जाएगा उसको नित्य भी कैसे बोल सकते हो और अज भी कैसे बोल सकते हो, दोनों नहीं बोल सकते, ये जो कथन करके आए थे उसी के उसी अर्थ से जो कथन करके आए थे उसी विषय को स्पष्टीकरण अर्थ स्पष्ट करके समझाने के लिए दृष्टांत द्वारा समझाते हैं ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं श्लोक तात्पर्य उक्तस्य एव अर्थस्य, जिस विषय को 11 नंबर श्लोक में कह करके आए उसी को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पे अगला श्लोक को दे रहा है, कार्यकर अभिन्नत्व न्याय में क्या दोष आएगा। अच्छा अब देखिए भाष्य में आएंगे, कारणात अजात कार्यस्य यदि अनन्नत्वम इष्टम त्वया, ठीक है ना, क्या बोलता है कारणात अजात जन्म रहित कारण से कार्यस्य कार्य का यदि अनन्नत्वम कार्य का यदि अभिन्नत्व है अभिन्नत्व है ये अभिन्नत्वम इष्टम त्वया तुम्हारे द्वारा ये अभिष्ट है ततः उससे क्या हो जाएगा कार्यम अजमिति प्राप्तम, कारण का धर्म कार्य में आएगा, कारण आपका अज है तो कार्य क्या हो जाएगा अज हो जाएगा, लो अब क्या करोगे इधर बोल रहे कार्य इधर बोल रहे अज, ये कैसे हो सकता है, इदम च अन्यत् विप्रतिषिद्धम, और इसके साथ ये तो एक ये दोष आएगा ही उसके साथ एक और विरुद्ध कथन हो जाएगा क्या कार्यम अजम च इति तव, तुम्हारे सिद्धांत में ये तो बोलते हैं कि ये जो अहंकार आदि रूप में जो है ये परिणत होता है कौन प्रधान, और इधर बोलते अज है और नित्य भी कैसे हो सकता है, परिणामी वस्तु कैसे नित्य हो सकता है, इसलिए बोलते हैं इदम च अन्नम विप्रतिषिद्ध, आपके पक्ष में एक और दोष आएगा कार्यम अजम च इति, कार्य भी है अज भी है, ये तब मतलब तुम्हारे पक्ष में, हमको लगता है कहीं कहीं मैंने यदि शब्दों के जगह पे किसी पुस्तक में अल्टरनेटिव तब पाठ भी है, तब पाठ में तुम्हारे पक्ष में सिद्धांत में ये भी एक कमी आ जाएगा। अच्छा फिर आगे बोलता है किंच अन्न एक ये एक कोटि तब है क्या है इदम चान्न प्रतिषिद्धं कार्यं अजं चेति तव, हां तव तो ठीक है वहां भी लिखा है, मैं श्लोक में मैं बोल रहा श्लोक में जहां पे यदि लिखा है ना वो यदि के स्थान पे तव भी कहीं वैकल्पिक पाठ मिलता है, इसे तव वहां पे लाया, किंच अन्नत एक और गलती है कार्य करण अनन्यते है ना, यदि कार्य करण में अभिन्नता है जायमानात ही वही कारणात कार्य जाय कौन उत्पन्न हो रहा है कार्य जायमानात ही वही कार्य, सेकंड लाइन में जायमानात ही वही कार्य,
कारणम अनन्यत, कारण अनित अन्य अभिन्न हो गया, नित्र भूतवो नित्य ध्रुव कैसे हो सकता है वहाँ पे, कथम ध्रुव भवे कथम च ते कथम ते ध्रुव भवे, ये अभिप्रेत है, नित्यम ध्रुवम च ते कथम भवे, ये तो कैसे हो सकता है, क्या कार्य से कारण अभिन्न है और कार्य से कार्य उत्पत्तिशील वस्तु है, उत्पत्तिशील वस्तु यद कृतकम तद अनित्यम, और आपने बोला कि कार्य और कारण तो अभिन्न है परंतु कारण जो है नित्य, ये कैसे हो सकता है, जो तब क्या हो जाएगा कार्य में जो जत्व तो है तो अनित्य तो हो जाता है, भी अनित्य हो जाएगा, इसलिए बोलता है कि जो अन्नत, एक और भी कमी देखो आपके पक्ष में, कार्य करणयोर अनन्नत, कार्य और कारण में अभिन्नता होने पर जायमाना थी वही कार्य, मतलब यदि उत्पन्न हो रहा है जो कार्य उस कार्य से, यही अर्पित जो अव्यय है, क्योंकि अब इस प्रकार होने से कह जाए कारणम अनन्नत नित्यम, कारण जो है कार्य से अभिन्न हो गया, अभिन्न होने कारण नित्यम ध्रुवम चे कथम भवे, है ना, वो क्या तुम्हारे पक्ष में ये कारण कैसे नित्य ध्रुव हो सकता है, क्योंकि तो कार्य से अन्न है और कार्य मतलब अनित्य होता है, तो कैसे हो सकता है, एक बड़ा सुंदर न्याय न्याय दिया गया, उसको आधा हिस्सा तो काट के खा लिया और पीछे हिस्सा बचा के रखा, कल अंडा देगा, अर्ध जरित न्याय, अर्ध जरित जीर्ण होता है ना, अर्ध जरती न्याय बोलते, अर्ध जरती न्याय मतलब आधा तो आपने माना आधा नहीं माना, आधा हिस्सा मानना आधा हिस्सा नहीं मानना, ये जो है आपका अर्थ जगत बोलते, कई जगह पे आया ब्रह्म सूत्र में भी आया एक जगह अर्थ जगत है, उसको बोलते हैं नहीं कुकुट्या एक देश पच्यते एक देश प्रसवाय कल्पते, है ना, ये कभी नहीं हो सकता है कि एक मुर्गी का क्या होगा कि एक देश तो पकाया जाता है, काट के खा पी के लिए पकाया गया है, और एक देश प्रसवाय कल्पति और एक देश है अंडा देने के लिए कल के लिए रख दिया उसको बचा कर, कल अंडा नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है ना, तो इसी प्रकार से इसको अर्थ जरूरती नहीं, कभी कभी इसको स्त्री के ऊपर उपमा दे करके बोलते हैं, कहीं पुस्तक में भी मेरे को अर्थ जरूरती नहीं, कुछ समझा नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि च अन्नत कार्य करण अनन्नत जायमाना ही वही कार्य कारण अनन्नत नित्यम ध्रुवम, जो कारण यदि अभिन्न होगा उत्पत्तिशील कार्य के साथ, कारण यदि अभिन्न होगा तो कारण नित्य और ध्रुव कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे अर्थ जगती है नहीं तो नहीं चल सकता, नहीं कुक्कुटा एक देश, क्योंकि एक कुक्कुट मतलब हैं मुर्गी को बोलते हैं, तो वो यदि आपका एक देश में तो आपने पका करके खा लिया और दूसरा देश आपका कल अंडा देने के लिए बचा लिया, ये होना संभव नहीं है, इस पच्यते मीन्स खा लिया, पच्यते मतलब पकाया जाता है, कुकिंग पच धातु टुकड़ू अर्थ में आता है, पच्यते पकाया जाता है, एक देश पच्यते पैसे भी एक देश को तो पकाया जाता है खाने के लिए, दूसरा जित कहते हैं एक देश प्रसवाय कल्पते एक देश उसको पैदा अंडा देने के लिए मतलब कल्पना किया जाता है, समर्थवान नहीं जाएगा ऐसे। अब फिर टीका में आ जाइए, कार्य कारणयोर अभेदवादी विप्रतिषेध दर्शित, है ना, कार्य कारण यदि आप अभिन्नता की बात मानोगे, कार्य कारणयोर अभेदवादी है ना, कार्य कारण से अभिन्न है, इस बात में इस सिद्धांत में विप्रतिषेध दर्शित है ना, मतलब विरुद्ध कथन जो प्रतिषेध है उसको दिखाया गया है, उसको दिखाया गया है, यद्यपि हम बोलते हैं तद अनन्नतम आरम्भन शब्दादि हम भी कार्य करण अनन्नत मानते हैं, परंतु हम क्या मानते हैं परिणाम बात को लेकर, कभी भी कोई मतलब चलिए हम विवर्तवाद को लेकर शांतवादी परिणाम बात को लेकर मानते हैं, तो हम विवर्त में भी यही होता है, विवर्त मतलब क्या कि अतत्विक अन्यथा भाव, अतत्विक अन्यथा भाव मतलब क्या वस्तु ऐसा जैसा के जैसा ऐसा नहीं करके उसको अन्य रूप में दिखा देना, यही अतत्विक अन्यथा भाव है, ये हमारी वेदांतिक सिद्धांत है, और शांखवादी भी और वेदांती भी दोनों ही है बोलते हैं सत्कार्यवादी है दोनों, मतलब कार्य को पहले से कारण में विद्यमान था, परंतु अब हमें प्रश्न उठता है कार्य कारण में पहले से जो विद्यमान रहता है किस रूप में रहता है, कार्य रूप में रहता है कि कारण रूप में रहता है, कार्य कारण में जो पहले से विद्यमान रहता है तो वो कार्य कारण में कार्य रूप में रहता है अथवा कारण रूप से रहता है, कारण रूप से, ये हमारे वेदांतिक सिद्धांत है, और सांख्य सिद्धांत है कार्य रूप से, ये दोनों में भिन्नता है,
स्किम तब कहा क्या हो जाएगा, कारण कभी कार्य रूप में बदलता ही नहीं है, हमारे अंदर विवर्तवाद है, प्रतीति मात्र होती है। कार्य करण अभेदवादी विप्रतिशत दर्शित तस्य एव दृढ़ीकरणार्थ, ये जो बोला ना देखिए किस अर्थ लिख रहे हैं, उक्तस्य एव अर्थ भाष्य लिखा वहाँ पे, उक्त अर्थ क्या है, कार्य करण अभेदवादी विप्रतिशत, जो भेद तो कथन है वो 11 नंबर श्लोक में दिखाया गया है। आनंदगिरि जी के प्रत्येक प्रक्ति के साथ भाष्यकार की पंक्ति को संबंध देखना कोशिश करना, ये कहाँ का लिख रहा है, उक्तस्य बोला ना पर उक्तस्य किम उक्त कार्य कारणयोर अभेदवादे विप्रतिशत दर्शित, कहीं कहाँ दिखाई 11 नंबर में, जाया मन कथम भिन्नम नित्य का शब्द ये देखा विप्रतिशत दिखाया गया है, ठीक है ना, ठीक है। तस्यैव जो उक्तस्यैव अर्थस्य स्पष्टीकरणार्थम, भाष्य में क्या लिखा, उक्तस्यैव अर्थस्य स्पष्टीकरणार्थम, तो यहाँ पे तस्यैव उक्तस्यैव अर्थस्य दृढ़ीकरणार्थ, उसको दृढ़ करके बैठाने के लिए ये श्लोक है, इस श्लोक है, ठीक है। जो पहले कार्य का करने का ही करके आया उसी को और दृढ़ करने के लिए ये 12 नंबर श्लोक को दे रहा है यहाँ पे, तस्यैव अर्थस्य, जो भाष्य का की पंक्ति है क्या है वो, कार्य करण अभेदवादी विप्रतिषेध नित्य जो कैसे हो सकता है, इसलिए तस्यैव दृढ़ीकृत अयम श्लोक, ये जो है 12वां श्लोक है। पूर्वार्थ अक्षर उत्तम अर्थम आह, श्लोक के पूर्वार्थ क्या है, कारणाद यदि अनन्यतम अत कारणम अजम, यदि पूर्वार्थ है ना, तो बोलते हैं पूर्वार्थ अक्षरोत्तम, पूर्व अर्थ में आया है जो पद उससे उत्पन्न होता है जो अर्थ भाव होता है उसका प्राप्त होता है जो विषय उसको कहते हैं भाष्यकार, ठीक है ना। पूर्वार्थ अक्षर उत्तम, पूर्वार्थ में आए हुए जो अक्षर तो पद है उस पद से उत्पन्न होता है जो विषय है ना अर्थम आहो उसी को कहते हैं। कारणात अजात कार्यस्य यदि अनन्यतम, जन्म रहित कारण से कार्य यदि अभिन्न होगा तो, यदि यही तुम्हारा इष्ट इष्टम तया तत्व तो कार्य मान्यम, तब क्या हो जाएगा, कार्य भी अज हो जाएगा, तो बहुत बड़ा गलती हो गया, कार्य भी बोल रहे अज भी बोल रहे, कैसे हो सकता है। अब इसी में हमें आगे टीकाकार बोलते हैं प्राप्ति अनिष्ट पर्यावशायितम आह, इस प्रकार से कारण से कार्य अभिन्न होने कारण प्राप्त होने पर अनिष्ट क्या हो जाएगा, अनिष्ट यही हो जाएगा कि आप जो विप्रति विरुद्ध कथन करने वाले हो जाएंगे, इधर बोलेंगे अजय इधर बोलेंगे कार्य, एक वस्तु कार्य भी है अजय भी है तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं प्राप्ति अनिष्ट पर्यावश, इस प्रकार प्राप्ति होने पर जो अनिष्ट पर्यावश तो अनिष्ट में अनिष्ट रूप में फलीभूत होगा उसको कहते हैं, यहाँ पे 4 नंबर टिप्पणी में देखिए 4 नंबर बोलते हैं परिमतम प्रसंग जगत, तब इसके प्रसंग आ जाएगा है ना, इसकी प्रसंग आ जाएगा, किसकी प्रसंग आ जाएगा, देखो बोलते हैं इदम च अन्नद विप्रतिषिद्धम, ये जो है एक और विरुद्ध कथन है, क्या विरुद्ध कथन है, कार्यम अजम चैति, तब तुम्हारे द्वारा एक तुम्हारी पक्ष में एक और जो व्याघात दोष है, क्या इसको कार्य भी बोलते हो और अज भी बोलते हो, ये तो नहीं हो सकता, कार्य अज कैसे हो सकता है, कार्य तो जो है, इसलिए बोलते हैं तत्व अन्नद उक्तम एव व्यनक्ति। अच्छा इदम च प्राप्ति अनिष्ट पर्यावश्यकम इदम च, अब देखिए उसको आनंदगिरि तो बिल्कुल नाम लेकर के बोला प्रधानस्य अजन्तम जायमानत्वम च विप्रतिषिद्धमिति उक्तम, है ना, आप प्रधान को आप अजमान और फिर वही उत्पन्न होता है, अहम महत्त्व हम तत्त्व वही उत्पन्न होता है, ये तो विरुद्ध कथन हो गया, विरुद्ध कथन हो गया, इसलिए बोलते हैं प्रधानस्य अजत्तम जायमानत्तम च, प्रधान अज भी है और प्रधान उसकी उत्पत्ति रूप में अहम तत्व महत्त्व आदि के रूप में उत्पत्ति भी होता है, उत्पत्ति भी होती है उसकी, तो यहाँ पे विप्रतिषिद्ध नाम, ये जो विरुद्ध कथन है इति उक्तम, ये जो है यहाँ पे कहा गया है। तत् अन्न इति उक्तम एव व्यनक्ति, यहाँ पे जो है आगे देखिए कि इदम च अन्न, ठीक है ना, तत् अन्न इति उक्तम एव, उससे जो है आगे जो पहले कह करके अत अन्न उसी को यहाँ पे व्याख्या करता है, क्या व्याख्या करता है, कार्यम अजम चाहिए, उससे एक और विरुद्ध कथन हो जाएगा, क्या कथन हो जाएगा, उसको कार्य भी बोल रहे हैं और जन्म भी बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं, इदम च प्रधानस्य अजन्तम जायमानत्वम च विप्रतिषिद्धम इति उक्तम, तत् अन्न इससे क्या हो जाएगा, एक नया एक समस्या का हो जाएगा, जब इति उक्तम इति उक्तम एव व्यनक्ति, जो कहा क्या बोल रहे कार्यम कार्यम अजम च इति, तब तुम्हारे पक्ष में ये दोष हो जाएगा, व्यनक्तम व्यनक्ति हम बोल क्या शब्द बोला, ये भी तत् अन्न तत् अन्न इति उक्तम एव व्यनक्ति, व्यन अच्छा मैम जी ठाकुर को अभिव्यक्त कर अभिव्यक्ति नहीं बने,
व्यनक्ति तो मतलब अभिव्यक्त करते हैं, उसमें क्या भिन्नता मतलब क्या रुक्तिहीनता होगा उसका अभिव्यक्त करते हैं। क्या अभिव्यक्त क्या कार्यम आदम च, तब तुम्हारे पक्ष में क्या हो जाएगा कार्य जन्म नहीं है ये नहीं हो सकता। अतः तुम्हारे तुम भी तो ऐसे ही कहते हो, तुम्हारे सूत्र का मैं सूत्र रचाया क्या रचा है तद अनन्नतम आरम्भन शब्द दिव्य कार्य कारण से अभिन्न है बात आरम्भन शब्द से, ऐसा तुम्हारे गुरु जी ने दिखाया सूत्र रचा वहाँ पे चांद को सूत्र भी ऐसा बोलते हैं, बोलते हमारे वहाँ पे तो सूत्र का सूत्र ने रचा परंतु तो परिणाम बात को आश्रय लेकर कार्य करना अभिन्नत्व को समझे भी आगे जो आगे विवर्तवाद बोल देते हैं कार्य उत्पत्ति होना संभव ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं अभेद अपि मायावादी, हम भी कार्य करना अभिन्न मानते हैं पर हम क्या है मायावादी हैं, माया से प्रतीत होते अभेद अपि मायावादे नैष दोष, हमारे पक्ष में दोष नहीं होता क्यों कार्य के कारण के ऊपर जो कार्य दिखाई देता है दोनों की सत्ता की भिन्नता है, रज्जु के रूप में दिखाई दे रहा है सर्प रज्जु हो गया व्यवहारिक सत्ता वाला और सर्प हो गया प्रातिभाषिक सत्ता वाला, फल तो दोनों एक ही जगह पे दिखाई दे कोई विरोध नहीं है। आत्मा इसलिए हमेशा ध्यान रखना मिथ्या सापेक्ष मिथ्या तो आत्मा की सापेक्ष में जगत मिथ्या है, ठीक है ना, आत्मा अधिष्ठान है नित्य वस्तु है उसकी सापेक्ष में उसके ऊपर जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो मिथ्या परिवर्तनशील हो रही है, इसलिए होते मायावाद में यही चीज है अभेद अभी हमारे सिद्धांत वेदांतिक सिद्धांतों में कार्यकरण अभिन्न होते हुए भी मायावाद है, मायावाद मतलब क्या हो गया ये वास्तविक जगत उत्पत्ति माया से प्रतीत होते हैं नैसे दोष हमारे पक्ष में दोष नहीं है क्यों कारणस्य कार्य अनन्यत्व अनभ्युपगमात् कारणस्य कारण का कार्यस्य कार्य कार्यस्य अनन्यत्व अभिन्नत्व हमारी मान्यता ही नहीं है। पश्चिम योगमश न चमता कर्म निबद्ध अथवा न तो मत्स्थानी भूतानी पश्चिम योगमश मतलब हमारे ऊपर जो भूत दिखाई दे रहा है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, मेरे महिमा देख लो ये जो आपने मतलब कारणस्य कार्य अनन्यत्व मतलब कारण का कार्य के साथ अभिन्नता जो है अनभ्युपगम अभी हमारी मान्यता नहीं है, प्रति की मात्र है तुम तो परिणामवादी हो तुम तो अभिन्न मानते हो ये भिन्नता है मायावाद में या परिणामवाद में ये भिन्नता है। ब्रह्म सूत्र आपको द्वितीय अर्थ की पहला पक्ष स्मृति पद को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। व्यासदेव जी ने सूत्र को रचा क्योंकि चाहे आपको परिणामवाद हो चाहे मायावाद हो अधिष्ठान के बिना भ्रांति होना संभव नहीं है, कोई ना कोई विशेष परिणाम हुए बिना होना देखना संभव नहीं है, इसीलिए अभिन्न तो है परंतु संबंध रहित अभिन्न। अब बड़ी समस्या इसमें हमारे पक्ष में आप बोलते हैं आप आत्मा को कैसे समझाते हैं लक्षणाभिव्यक्ति से समझाते हैं, क्या बोलते तत्व स्वभाव भाग त्याग लक्षण है, ठीक है ना, मतलब जहत अजहत लक्षण जिसको बोलते हैं मतलब लक्षण कहाँ होता है सत्य संबंध लक्षण शक्ति वृत्ति से जो अर्थ प्राप्त होता है उसके साथ संबंध रखने में लक्षण होता है, आत्मा किसके साथ संबंध रखते हैं तो लक्षण कैसे करोगे लक्षण तो हमको क्या मानना पड़ता है मानना पड़ता है कि आध्यासिक तादात्म संबंध है, रज्जु और सर्प में क्या संबंध है आध्यासिक तादात्म संबंध, इसलिए उस रज्जु के ऊपर सर्प के द्वारा सर्प के द्वारा रज्जु लक्षित होता है, रज्जु के ऊपर सर्प के माध्यम बना करके हम रज्जु रक्षित होते हैं, इसी प्रकार अधिष्ठान आत्मा के ऊपर दिखाई दे रहे शरीर इंद्र मन बुद्धि से आत्मा की चेतना लक्षित होता है मैं मन लक्षित ये मुख्य सिद्धांत है हमारे, इसलिए बोलता है अभेद अपि मायावादे नैष दोष, हमारे सिद्धांत भी अभेदवाद में परंतु हम माइक मानते हैं मतलब जगत प्रातिभाषिक सत्ता भिन्न होने का प्रातिभाषिक वस्तु के साथ और व्यवहारिक वस्तु का प्रातिभाषिक वस्तु के साथ पारमार्थिक सत्ता वाला वस्तु का कोई विरोध नहीं होता कोई विरोध नहीं होता, इसलिए कारण आप देखिए जैसे हम यहाँ पे बैठा है ना मैं इस आँख में उंगली लगाऊंगा ठीक है ना हमको ये दो दो दिखाई दे रहा है अब दो दो दिखाई दे अब दो तो दिखाई दे रहा है अब विरोध है क्या क्योंकि हमारी दृष्टि के भ्रांति के कारण हमें दो दो दिखाई दे रहा वास्तव में एक ही है वहाँ पर, इसी प्रकार इसलिए इस प्रकार एक प्रातिभाषिक है जो द्वैत दिखाई दे रहा है एक परंतु द्वैत दिखाई दे रहा प्रातिभाषिक है दिखाई दे रहा है इसीलिए इसमें विरोध भी नहीं है देखने में, इसलिए हम इसका विरोध नहीं करता बुलडोजर लगा इसका तोड़ो ये नहीं है तोड़ो इसको यहाँ विद्वेद होने की संभावना नहीं है। अभेद अपि मायावादे नैष दोष कारणस्य कार्य अनन्यत्व अनभ्युपगमात् हम ऐसा मानते नहीं है ना न जो मत्स्थानी भूतानि पश्चिम योगमेश्वर देखो भगवान श्री कृष्ण की बात कही है इसके साथ हमारा संबंध नहीं हमारी मान्यता नहीं है। पांच नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं अभेदे कार्य कारण कार्य कारण अभिन्नता इसको हमारे मानने पर भी हम तो मायावादी हैं
मायावादी मतलब है। अरे मायावाद भी भगवान शंकर जाति की नहीं है। माया तो प्रकृति विद्वान माइनम तू महेश्वर शुद्ध शुद्ध उपनिषद की बात करेगी। मायावाद भी जो है शुद्ध शुद्ध उपनिषद से मतलब इसी को मतलब जो प्रातिभाषिक सत्ता वाले एक है और एक पारमार्थिक सत्ता वाले हैं और चलाने वाला जो है पारमार्थिक है परंतु जिससे वो चलाते हैं वो जो है पारमार्थिक नहीं। अच्छा फिर आगे बोलता है कार्यस्य एव कारण मात्रत्व अंगीकारा इति मत्ता आह। तब ये तुमने क्या किया कार्यस्य एव कारण मात्रत्व क्या बोला आपने कार्य कारण मात्र ही है क्योंकि कारण की संस्थान विशेष को तुमने कार्य माना। इसलिए बोलता है कार्यस्य एव कारण मात्रत्व अंगीकारा हमने तो मायावादी है हमें तो कार्य नामक कोई वस्तु है ही ना तुमने क्या किया परिणाम मत से कार्यों को बना करके अब वो कारण से अभिन्न मान लिया कार्य सेवा कारण मात्र अंगीकार कार्य क्या है कारण मात्र ही है इस प्रकार मानने से इस मतलब तुम्हारे सिद्धांत में तब है ना भगवान भाष्य का नहीं बोला कार्यम अजम च इति तब ये जो तब पद आया हुआ है मतलब तुम्हारे सिद्धांत में बोलते तुम्हारे में तो यही है तुम भी सत्कार्यवादी हो हम भी सत्कार्यवादी है तुम भी मानते हो हम भी मानते हो कार्य कारण सभी नहीं बोलते बिल्कुल दोनों में यहाँ पर सही है परंतु हम मायावादी है तुम परिणामवादी हो हम विवर्तवादी है तुम परिणामवादी है ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कार्य से व कारण मात्रत्व अंगीकार तुमने कार्यों को कारण मात्र ही माना इस प्रकार मानने के कारण तुम्हारे पक्ष में ये दोष आता है ये दोष आता है हम तो कार्य नामक कोई वस्तु है ही नहीं। छः नंबर टिप्पणी में देखिए कारण मात्रत्व अंगीकारादिति यथा च कार्यस्य कारण अतिरिक्त सत्ता शून्यत्वेन हमारे सिद्धांत में यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ पे सिद्धांत है जो कार्य रूप में वस्तु दिखाई दे रहा है वो अधिष्ठान को छोड़कर को कभी सत्ता को प्राप्त तो नहीं कर सकता। इस प्रकार की वस्तु का मिथ्या बोलते हैं जो अपने स्वतंत्र सत्ताहित्व मिथ्यात्व स्वतंत्र सत्ता से रहित होता है। इसलिए हमें बोलते हैं यथा च कार्यस्य कारण अतिरिक्त सत्ता शून्यत्व जैसे कार्य का कारण से भिन्न होकर को सत्ता से रहित हो जाता है ना वो यह भी परिणामवाद में भी यही है परिणामवाद में मृतिका को छोड़ करके घट का भी सत्ता को प्राप्त ही नहीं कर सकते। स्वतंत्र सत्ता राहित्व यथा कार्यस्य कारण अतिरिक्त सत्ता शून्यत्वेन मिथ्यत्व न तत्र कारण धर्म आपादनेन विरुद्ध। इस प्रकार वो मिथ्या होने के कारण हमारे सिद्धांत में कारण धर्म जो है आपादन कारण धर्म कार्य को प्राप्त करके विरोध उद्भव विरोध उद्भव कर तुम न सकतम उसको आप नहीं कर सकते न कहाँ से लेंगे जो मिथ्यात्वात उसके बाद जो न है ना न कर तुम सकम इति भाव क्या बोल रहे हैं कि कार्य कारण अनन्य तो आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं परंतु हमारे ऊपर कार्य जो है प्रातिभाषिक और मिथ्या वस्तु है क्यों वो ज्ञान होने पर पूरा मिट जाता है तुम्हारे यहाँ पे प्रधान बना रहता है इसलिए भिन्नता है। इसलिए बोलता है यथाच कार्यस्य कारण अतिरिक्त सत्ता शून्यते न मिथ्यता जैसे हमारे पक्ष में एक जो कारण है उस कारण से अतिरिक्त सत्ता रूप में कोई भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है ना इसीलिए उसका मिथ्या कहते हैं न तत्र कारण स्फुरत क्या हो जाएगा कि कारण की धर्म कार्य में आपदन यदि कोई वस्तु होती वहाँ पे तब तो वहाँ पे कारण का धर्म कार्य में आपदन होता। हमारे वहाँ पे तो वस्तु है नहीं रज्जु है सामने और सर्प है दिमाग में रज्जु है सामने सर्प है दिमाग में पर रज्जु का धर्म सर्प में कहाँ से आएगा ये हमारे पक्ष में इसलिए बोलता है न तत्र कारण धर्म आपादन है ना हमारे पक्ष में विरोध उद्भावन नहीं कर सकते विरोध उद्भावन कर तुम न सकते विरोध उद्भावन तुम नहीं कर सकते इति भाव। इसी को सूचित करने के लिए एतदेव सूचयितुं मायावाद इति उक्तम इति अवधेय मुझे टीकाकार ने वहाँ पर मायावाद बोला इसी को सूचित करने के लिए जो है यहाँ पे टीकाकार एक एडिशनल पद जोड़ दिया भाष्यकार के एडिशन इस मायावाद में ये दोष नहीं आता मायावाद में ये दोष नहीं आता क्योंकि कार्य की पारमार्थिक सत्ता मानते ही नहीं है। इसलिए बोलते एतदेव सूचयितुं मायावाद इति उक्तम इति अवधेय इसी को यहाँ पे समझ लेना चाहिए। छह नंबर टिप्पणी में बताए श्वेतश्वर उपनिषद में जो मायावाद का बात बोला है वो कौन सी जगह में है श्वेतश्वर उपनिषद में कई बार ब्रह्मसूत्र माया तु प्रकृति पिता माइनम तु महेश्वर। अब फिर एक और श्लोक आता है ये जो नारद तुम मेरा रूप देख रहे हैं ना इसके द्वारा तुम मेरा पारमार्थिक सत्ता को नहीं जान सकते जब मां पश्यति नारद यहाँ पे भी दिया था उस श्लोक यहाँ भी आया था उस श्लोक को ये महाभारत शांति पर्व के सुश्रुति स्मृति दोनों जगह पे जो है ये मायावाद को लेकर के बोलते हैं अभेद अपनी मायावादी नहीं से दोष कारण से अधिक है यहाँ अब द्वितीयार्थम विभजते सेकेंड हाफ मतलब श्लोक में आए हुए है सेकेंड माया इसका जो है
ब्रह्मा को देख के बता सकते हैं। श्लोक में मायां तु प्रकृति विद्धन मायिनं तु महेश्वर विद्धन। हम यहाँ पे आके बोलते हैं द्वितीय अर्थम विभाजती, उस श्लोक में आयु सेकेंड था, सेकेंड हम जायमाना भी वही कहा गया है ना, उसको विभाजन करके दिखाते हैं, विशेष करके दिखाते किंच अन्य। दूसरी बात और है कार्य कारणयोर अनन्यत्य, कार्य और कारण जो अभिन्न हो जाएगा तो जायमाना ही वही कार्य, जो कार्य उत्पन्न हो रहे हैं उस कार्य से कौन अभिन्न है, कारण अभिन्न है। जो कार्य और कारण यदि अभिन्न है मतलब कार्य से कारण अभिन्न है और कार्य उत्पन्न हो रहे हैं, अब कारण जो है जन्म रहित रहेगा, नित्य रही कैसे हो सकते हैं, दोनों तो अभिन्न है। इसीलिए आप यहाँ पे बोलते हैं जाय माना थी वही कार्य से, यहाँ पे समझिए परिणाम बन में समझिए कि जैसे ये पट पट में तंतु है, ठीक है ना, तंतु से पट उत्पन्न हो, आप यदि एक एक पट से तंतु यदि अभिन्न है, पट यदि अनित्य है तो तंतु के अनित्य थोड़ी रह सकते हैं, क्योंकि पट तंतु टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, पट अनित्य नहीं होगा, सिर्फ तंतु में नित्य नहीं हो सकता, समझ में आ जाए। परिणाम बाद में क्या होता है, ये पट है इससे बना तंतु से बना, और पट को आप कार्य को अनित्य मानते हो और कारण को नित्य मानते हो, ये किससे बना तंतु से बना, तो जब ये तंतु से बना, जब ये खराब होगा तो तंतु खराब हुए बिना कार्य खराब हो सकता है, तंतु खराब हुए बिना पट खराब नहीं होगा, तंतु ही खराब हो गया तो ये पट खराब है, इसीलिए यदि कार्य अनित्य है तो कारण भी अनित्य ही होगा, वो नित्य नहीं हो सकता, ये तुम्हारे से इतना देख और गड़बड़ी है। अभिन्न है और फिर नित्यम ध्रुवम च, वो नित्य भी है, नित्यम वहाँ पे नित्य रहेगा, ध्रुव रहेगा, ये कैसे हो सकते हैं, कथम भवे, तुम्हारे पक्ष में कैसे हो सकता है ये। कारण को नित्य मानते हैं, दोनों में एक ही टाइप होने पर भेद क्या हो गया, क्या भिन्नता हो गया। कार्य कारण में कार्य कारण कार्य रूप में विद्यमान रहता है और वो कार्य में परिणत होते हुए भी वो नित्य रहेगा, प्रधान को परिणामी नित्य मानते हैं वो, और वेदांति अधिष्ठान को कुकृष्ठ नित्य मानते हैं, नित्य दोनों मान रहे हैं वो, क्योंकि शास्त्र क्या बोलता है कि अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण में कुकृष्ठ नित्य वस्तु है, जो अधिष्ठान है कुकृष्ठ नित्य वस्तु है और वो परिणामी नित्य वस्तु है, परिणामी होगा नित्य होगा ये नहीं हो सकता है, पर उसके मान्यता ऐसी ये परिणामी होगा नित्य भी ये हो नहीं सकता है, ये भिन्नता है यहाँ पे, इसलिए आप बोलते हैं कि अब आगे देखिए क्या बोलते हैं, किंच अन्य अभेदवादे अपि कार्यस्य अनित्यत्वं कारणस्य नित्यत्वम् इति व्यवस्था किमिति न भवति। अभेदवाद होते हुए भी उसमें देखो जिस प्रकार एक बड़ी मजेदार दृष्टांत देखो, अभेदवादे अपि है ना, अभिन्न कौन कार्य करें, अब इस बात में भी कार्य से अनित्य, कार्य क्या हो जाएगा अनित्य होगा और कारण क्या होगा नित्य होगा, ये अभेद बात में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, अभेद बात में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अभेद बात अभी हम तो अवच्छेद भिन्न माना, एक कार्य हो गया अनित्य और कारण हो गया नित्य, इस प्रकार अवच्छेद भिन्न के कारण यहाँ पे ऐसा सिद्धांत क्यों नहीं था, अभेद बात अभी कार्य से अनित्यत्व ठीक है और कारणस्य नित्यत्व इति व्यवस्था किम न भवति, इस प्रकार व्यवस्था क्यों नहीं हो सकता, इति शंका आशयम के आओ, इस प्रकार शंका करने वाले के प्रति उत्तर देते हैं। अब देखिए अभेदवाद इसमें देखकर बोल दिया, सात नंबर टिप्पणी क्या बोल रहे हैं कि एकस्मिन् एव वृक्षे अवच्छेदक भेदेन, एक ही वृक्ष में आपका ये जो लंगूर दिखाई देते हैं, बंदर दिखाई पड़ते हैं, बंदर कहाँ पे है, डाल पे शाखा में बैठा हुआ है, शाखा अवच्छेदक लेकर के वृक्ष में कपी है ये मान सकते हैं, शाखा को आधार बना कर, यहाँ पे अवच्छेदक मतलब शाखा को आधार बना करके हम वृक्ष में कपी है ऐसा कह सकते हैं, परंतु मूल को आधार बना करके हम कह सकते हैं वृक्ष में कपी नहीं,
शाखा ही पाठ है। ठीक है, मूल भी तो वृक्ष का पाठ है, तो मूल में ही शाखा है, शाखा में कॉपी है। हाँ, तो इसीलिए शाखा अवच्छेद में तो हमें वृक्ष में कॉपिया कह सकते हैं, परंतु जब हम मूल को आश्रय करके बोलेंगे तब हम बोलेंगे मूल में नहीं है, वहाँ ऐसा प्रयोग होते हैं। तो अवच्छेदक भिन्नता से भिन्न धर्म जैसा हो सकता है, यहाँ पे कार्यत्व तो अवच्छेदक से एक ही वस्तु में अनित्यत्व तो आएगा और कारणत्व तो अवच्छेदक से उसमें जो है नित्यत्व तो आएगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तब बोलते हर जगह पर काम नहीं चलता, हाथ कट जाने पर तुम जिंदा रह सकते हो, पेट कट गया गला कट गया जिंदा रह जाओगे कि नहीं, बोलते एक नए हर जगह पर नहीं लगता, नए दर्शन में ऐसा क्या बोलते अवच्छेदक भिन्नता से धर्म अलग हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एकस्मिन् एव वृक्षे अवच्छेदक भेदेन भाव अभावौ इव, ठीक है, अवच्छेदक मतलब आश्रय को भिन्नता को लेकर के एक ही वृक्ष में शाखा अवच्छेद से वहाँ पे कपि संयोग है और मूल अवच्छेद कपि संयोग नहीं है, ऐसा जैसा हो सकता है ऐसा यहाँ पे कार्यत्व अवच्छेदक से अनित्यत्व हो जाएगा और कारणत्व अवच्छेदक से अनित्यत्व हो जाएगा। परंतु जैसा मूल और शाखा अलग अलग करके दिखाई देते हैं, आप क्या मानते हो कार्य तो कारण को छोड़कर अलग कभी दिखाई नहीं देता, तो अवच्छेद भिन्नता कैसे करोगे आप। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि एकस्मिन् एव वृक्षे अवच्छेदक भेदेन भाव अभाव इव, जिस प्रकार वहाँ पे कपि संयोग के भाव और कपि संयोग के अभाव, कार्यत्व कारणत्व अवच्छेदक अभ्याम, इसी प्रकार से कार्यत्व अवच्छेदक लेंगे एक जगह पे और एक जगह पे एक ही वस्तु में, मतलब एक ही वस्तु में देखिए जब हम घट दृष्टि से देखेंगे तब वो अनित्य है, जब हम मृत्तिका दृष्टि से देखेंगे तब वो नित्य है, अवच्छेदक भेद ऐसा अगर हम करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कार्यत्व कारणत्व अवच्छेद अवच्छेदाभ्याम एकस्मिन् एव धर्मिणी, एक ही धर्मी में एक नित्यत्व अनित्यत्व व्यवस्थी व्यवतिष्ठेता दोनों रह जाएगा, नित्यत्व अनित्यत्व दोनों व्यवस्थित रह जाएगा, यदि आशंक आह। तो मैं क्या बोला आपको, इसमें अच्छी तरह समझ में आता है पट और तंत्र में अच्छी तरह समझ में आता है, पट अनित्य है, पटत्व अवच्छेदक से पट अनित्य है और तंतु अवच्छेदक से तंतु नित्य है, पट अवच्छेदक से तंतु अनित्य है, तंतु अवच्छेद से तंतु नित्य है, परंतु तंतु में विकार हुए बिना पट माने तंतु नहीं, ऐसे तंतु विकार हो ही जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो है ये होना संभव नहीं है। एकस्मिन् एव वृक्षे अवच्छेदक भेदेन भावा भावो इव कार्यत्व कारणत्व अवच्छेदक अभ्याम, एक में अवच्छेद क्या लेंगे कार्यत्व, एक में अवच्छेद क्या लेंगे कारणत्व, मृत्तिका में विकार उत्पन्न हुए बिना घड़ा टूट जाए हो नहीं सकता है कि नहीं, मृत्तिका में कुछ विकार उत्पन्न हुए बिना घड़ा टूट जाए ये हो नहीं सकता। आपने कोई भी अलंकार बनाया उस अलंकार में सोना में विकार उत्पन्न हुए बिना वो अलंकार रूप में बदल जाए हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इसीलिए कैसे अजात बात को पक्का करके समझाना है, देखो यहाँ पे कितना सुंदर दी दिया है, एकस्मिन् एव वृक्षे अवच्छेदक भेदेन भावा भावैव कार्यत्व अकार्यत्व अवच्छेदक अभ्याम एकस्मिन् एव धर्मणि, एक ही धर्म में नित्यत्व अनित्यत्व व्यवस्थीयाताम, नित्यत्व अनित्यत्व दोनों की व्यवस्था हो जाएगा यदि हम ऐसा कहें तो। इति आशंकने अभेदवाद अपि, अभेदवाद अपि कार्यस्य अनित्यत्व कारण शंका करने में नित्यत्वमिति व्यवस्था क्यों न भवति, ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं हो सकता। तब उत्तर आशंक आह, इसको उत्तर में कहते उत्तर क्या बोलते हैं, हर्षकर उत्तर दिया थे अर्ध धरती न यहाँ नहीं चलता जी, अर्ध धरती न यहाँ पे नहीं चलता, उसको समझाने के लिए टिप्पणी का आठ नंबर टिप्पणी का भाव अभाव हो वृक्षे अपि क्षति अभावे अपि जीवन मरणयोर इव विरुद्धयोर नित्यत्व अनित्यत्वयोर न एकत्र समावेश संभवति, ठीक है टिप्पणी करवा सुंदर सकते। ये भाव और अभाव ठीक है, ये एक हाथ रहना अथवा नहीं रहना उसके माध्यम से भाव अभाव अयो भाव अभाव अयो वृक्ष अपि क्षति क्षति अभाव, वृक्ष में तो एक डाली के भाव और एक डाली के अभाव, इसमें वृक्ष में कोई छानी नहीं होने पर इस प्रकार हमारे एक उंगली कट गया टूट गया तो हमारा जिंदा तो रहना संभव है, पैर कट के भी जिंदा रहना संभव है, परंतु गला काट जाए होना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे भाव अभाव वृक्ष अपि क्षति अभाव है, वृक्ष भाव और अभाव इन दोनों का वृक्ष में क्षति का अभाव होने पर भी जीवन मरण
जैसा जिंदा और मुर्दा, इसमें से भिन्न वो विरुद्ध हो जो आपस में विरोधी धर्म, एक ही धर्म में एक साथ एक ही व्यक्ति जिंदा भी रहेगा और मुर्दा भी होगा, ये दोनों होना संभव नहीं है। इसलिए विरुद्ध नित्यत्व अनित्यत्व, नित्य और अनित्यत्व ऐसा विरोधी धर्म है। नित्य कभी संजोग आपका विरोधी धर्म नहीं है, परंतु नित्यत्व और अनित्यत्व ऐसा विरोधी धर्म है जैसा जन्म और मृत्यु, जरा जन्म और मृत्यु विरोधी धर्म बनते ना, ये दोनों का एकत्र न समावेश, एकत्र समावेश न संभवती। नित्यत्व अनित्यत्व यो एकत्र समावेश न संभव, एक जगह पे एक साथ रह जाए ये होना संभव नहीं है। देखो समझा रहे इसको, नहीं हस्त अवच्छेदन जीवन एवं उदरादि अवच्छेदन न मरिष्यति। मतलब हाथ कट गया, पैर कट गया, जीते रहने पर भी उधर अथवा गला कट गया तो वो जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना। नहीं हस्त अवच्छेद न जीवन एवं उदरादि अवच्छेद न मनुष्य न मनुष्य न, दोनों बार न कर, वो नहीं मरेगा ऐसा नहीं है, वो मर ही जाएगा। किंच और भी किंच कार्यत्वाद अपि अवच्छेदक भेदेन कल्पनाया अनन्य आश्रयत्वाद इति प्रसंग। अब हम कभी जो आप अवच्छेदक भेद कर रहे हो, कार्यत्व सिद्ध होने पर तब भेद सिद्ध होगा और भेद सिद्ध होने पर तब कार्यत्व सिद्ध होगा, इस प्रकार ये अनन्य आश्रय के द्वारा घोषणा। कार्य सिद्ध होने पर, कार्य सिद्ध होने पर ये कार्य उत्पन्न हो सिद्ध, तब जाकर के उसका भेद भिन्नता सिद्ध होगा, अतः कारण से भिन्न। अतः दूसरी भी कहता है यदि भेद सिद्ध हो, ये वैशेषिक है, एक विशेष को एक पदार्थ मान, वैशेषिक लोग विशेष मतलब भेद, प्रत्येक और परमाणु में प्रत्येक इसमें वो भेद दिखता है उसको, तब हम उनको पूछा ये विशेषता के कारण भेद मानते हो, तो भेद के कारण विशेषता मानते हो, क्या पूछा? विशेषता के कारण भेद मानते हो अथवा भेद के कारण विशेषता मानते हो? अनन्यास है, कौन पहले दिखाई देता है? विशेषता हो तब भेद दिखाई देता, अथवा भेद हो तब विशेषता सिद्ध करता है। वेदांतिक सिद्धांत में ऐसा भेद नहीं है, इसीलिए ये सिद्ध अनन्यास है, दुष्ट के द्वारा दूषित होता है। इसे होता है किंच कार्यत्वादि कार्यत्व और कारणत्व, ये जो कार्य कारण भावना ये कल्पित है, कार्यत्व कारणत्व आदि ही अपि अवच्छेद का भेदे न, ये कार्यत्व है, ये कार्य है, ये कारण है, कल्पनाया जो इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में पढ़ सुने विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स स्वामी संबंधत शिष्य आचार्यतया तथैव च पितृ पुत्रत आत्मन भेदत स्वप्ने जागृति जयेश पुरुष माया परिभ्रामित तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्ति भगवान भास्कर कहते इसी पुरुष को दक्षिणामूर्ति, शुरू तो किया था कि दक्षिणामूर्ति कैलाश की लेकर के बटपीठा पे शंकर हुई भाग्यदेश मंत्र दक्षिणामूर्ति कहाँ पे दिखाया? जीव में विश्वम पश्यति कार्य कारणतया, सारा सृष्टि में क्या देखता है? ये कार्य कारण, विश्वम पश्यति कार्य कारण विश्वम कार्य स्वात्मना भेद, अपने में ही भेद करके ये कार्य है कारण है, गुरु है शिष्य है माता है पिता है पुत्र है पिता है, इस प्रकार दुनिया भर की भेद करके विश्वम पश्यति कार्य कारण स्वस्वामी, अच्छा उसमें काम और करता है, क्या काम करता है? मेरा, ये मेरा स्वस्वामी संबंध बना लेता है, एक ही तुम हो, एक ही तुम, उसके ऊपर ये सब इस सांप को कल्पना करके मैं ये हूँ, ये मेरा है, बस ये दो प्रकार से विश्व पश्यति कार्य कारण स्वस्वामी संबंध करते हैं। शिष्य पहले तो यही रहता है, संन्यासी है ना शिष्य, ये मेरा शिष्य है, ये मैं गुरु, एक आत्मा में ये भेद कहा जाए शिष्य कथ ही हो जाए पितृपुत्र आत्मा न भेद, इसी प्रकार से पिता पुत्र माता माता पिता सब एक आत्मा में इतना भेद कर कब करता है, ये चीज मुख है। स्वप्ने जागृति ज ईश्वर पुरुष माया परिभ्रामित, स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था यही पुरुष सामने जो दिखाई दे रहे हैं ईश्वर पुरुष, क्यों? माया की तरह परिभ्रमित, यही दक्षिणामूर्ति है, तस्मै श्री गुरु मूर्ते नमः दक्षिण दक्षिण, कितना यह होता है सामने एक सामान्य व्यक्ति, यही दक्षिणामूर्ति है, इसी के अंदर वही तत्व बैठा हुआ। इसलिए हमारे सिद्धांत में यही है, नहीं हस्त अवच्छेदन जीवन एवं उदरादि अवच्छेदन मरिष्यति, मतलब हाथ के काट जाने जीने पर भी पेट काट गया फिर जीता है ऐसा तो नहीं होता, न मरिष्यति न, दोनों का है ना वहाँ पे। और किंच कार्यत्वादेर अपि अवच्छेदक भेद, नहीं जो आपने बोला कार्यत्व कारणत्व द्वारा अवच्छेदक भिन्न करोगे, आप कार्य कारण पहले सिद्ध करके दिखाओ फिर अवच्छेदक भिन्न होगा,
कार्य सिद्ध हो, कार्यों को यदि आप अलग करके दिखा सकते हो तब तुम्हारे कार्यत्व सिद्ध होगा, कार्यत्व धर्म होगा। और कार्य को यदि अलग करके दिखा सकते हो तब तुम कार्यत्व धर्म हमारे यहाँ तो कार्य कर्म होगा ही नहीं, विकास ऊपर नहीं है। आप रज्जु के बोले तो रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे कल्पित सर्प के लिए उपादान करना मानते हैं, बस इतना ही हमारे दो वस्तु बारम्बार दिखाई दे, इसलिए आपके कार्यत्व सिद्ध ही नहीं होता। कार्यत्व सिद्ध हो तब जाके कार्यत्व धर्म सिद्ध होगा, अगले कारण सिद्ध था कारण तो धर्म सिद्ध होगा। इसीलिए अनन्यास मतलब कार्य सिद्ध होने पर भेद सिद्ध होगा और भेद सिद्ध होने पर कार्य सिद्ध, ये दोनों ही नहीं है, इसलिए अनन्यास उसको प्रसिद्ध। इस प्रकार से मैं अपने सिद्धांत को बना करके आप बोलते हैं किंच जो अटिका में कि जस्य प्रधानवादी न मते प्रधानात अजात अभिन्न कार्य जायते महदादि अभ्युपगम्य। देखो अब जो है पहले जनरल स्टेटमेंट दे करके आप शांकोवादी को इस पकड़ी पकड़े किंच। और देखो जस्य प्रधानवाद आप लोग बीच शांकोवादी मतलब प्रधान से जगत को उत्पत्ति मानने वाले हैं कि इक्षते न शब्दम, ये तो पहले वेदांतिक सिद्धांत में जो है ब्रह्म सूत्र पहले बोलते नहीं नहीं चेतन को जगत की सृष्टि के उपादान कारण माना है। 8:08 हो गया, हाँ ठीक है, इस मुक्ति की छोड़ देते हैं। किंच जस्य प्रधानवादिन मते प्रधानात अजात अभिन्न कार्य जायते, जिस प्रधानवादियों के मत में जन्म रहित प्रधान से अभिन्न रूप से कार्य उत्पन्न होता है महादादि की अभ्युभगम मते, इस पर वो लोग मानते हैं तस्य पक्षे तस्मिन् अर्थे दृष्टान्त वर्तते। आप उस पक्ष में आप तो आपने किसी भी प्रतिज्ञा के आपने प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए आपने कोई ना कोई दृष्टान्त देना पड़ेगा। आप दृष्टांत तो क्या होगा, कोई दृष्टांत ऐसा दे ही नहीं सकते हो कि जन्म रहित है और उससे आप जन्म वाले को उत्पादन होगा। इसको बोलते हैं तस्य पक्षी तस्मिन् अर्थे दृष्टान्त वक्तव्य, क्योंकि दृष्टांत तो देने के बाद तभी जाकर के लोग को समझ में आता है। इसे तद अवस्टभ्येन एव तेन अर्थ व्यवस्थापन, उस दृष्टान्त के आधार पर ही उसके जो सिद्धांत तो व्यवस्थित होता है। जब आप दृष्टान्त तो नहीं दे पाओगे तो कैसे होगा, टिप्पणी कल करें। आदमी पहला बने अजम अपियोगम प्रापदश्वर्य योगा अति जगतिमत्याम प्रापदेकम हिरण्येकम विविध विषय धर्म ग्राही मुहिक्षणानाम रणतय परिहंत्रीम ब्रह्मतरणतोऽस्मि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवमादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरगुरुरामेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम नमो नारायण।